ये पांच भारतीय गेंदबाज जो सबसे तेज गेंद फेंकते हैं और आप भी जानिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले साल भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वनडे सीरीज के दौरान काफी प्रभावित किया था। इस बार टीम में जसप्रीत बुमराह भी थे, जिन्हें भारत के इतिहास के सफल सबसे तेज गेंदबाजों में माना जाता है। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के पांच सबसे तेज गेंदबाजों के बारे में जानेंगे, जिनके नाम सबसे तेज गेंदबाज फेंकने का रिकॉर्ड है। नंबर पाँच, वरुण अरोन। भारत के तेज गेंदबाज वरुण अरोन अपनी तेज गेंदबाजों के लिए जाने जाते हैं। वह 140 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गेंदबाजी करता है। वरुण के पास सबसे तेज गेंद 152.5 किलोमीटर घंटा करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में ये रिकॉर्ड बनाया था। नंबर चार, उमेश यादव। उमेश यादव की गिनती भारत के तेज गेंदबाज में होती है। उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2012 में खेले गए श्रृंखला के दौरान ब्रिस्बेन में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में 152.5 किलोमीटर घंटे की प्रति की गति से गेंद फेंकी। नंबर तीन, ईशांत शर्मा। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा 140 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गेंदबाजी करने में माहिर हैं। ईशांत ने 2008 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। इस मैच में उनके द्वारा खेली गई गेंद की गति 152.6 किलोमीटर घंटा थी। नंबर दो, जसप्रीत बुमराह। पिछले साल एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में बुमराह का शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन था। इस मैच में उन्होंने 145 घंटे की गति से गेंदबाजी की। मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 8वें ओवर में मार्कस हैरिस के खिलाफ 153.2 किलो प्रति घंटे की गति से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की। नंबर एक, जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ के नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1999 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। उस मैच में श्रीनाथ ने गेंद को 154.5 किलोमीटर घंटे की गति की रफ्तार से फेंका। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।